वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे शिबा इनू के बारे में, क्या कुछ चल रहा है शिबा इनू का और कब शिबा इनू का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि शिबा इनू का जो प्राइस है वो कब तक इंक्रीज होगा। आप में से बहुत सारे लोग, जितने भी शिबा इनू होल्डर हैं, आज हम बात करेंगे शिबा इनू का जो प्राइस है वो कब तक इंक्रीज होने के चांसेस हैं और मार्केट कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सिचुएशन मार्केट की जो है, आप देख रहे हो बिटकॉइन पिछले 2-3 दिन से क्या कुछ हुआ है, सारी हम आपको चीज़ें बता चुके हैं। अभी जो बिटकॉइन चल रहा है वो 22,700 पे आ चुका है वापस। 22,200-300 का जो लेवल है पूरा हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा बाउंस बैक बिटकॉइन ने यहाँ पे किया है और 22,000 से नीचे जो लेवल्स हैं बिटकॉइन के नहीं जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अगर यहाँ से बिटकॉइन $23,000 भी टच कर लेता है, ठीक है, बिल्कुल करीब करीब है, ज़्यादा फासला यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज आता है तो $23,000 दूर नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर अभी थोड़ी सी ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है। इथेरियम तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखा ही रहा है। इथेरियम की अगर आप देखेंगे 1600 से भी ऊपर चल रहा है, 1,22,000-23,000 पे चल रहे थे, लेकिन अभी जो प्राइस हैं वो 1,28,000-30,000 पे फिर से आते हुए दिख रहे हैं। तो इथेरियम में तो रिकॉर्ड तोड़ तेजी है, बिटकॉइन से ज़्यादा है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में इस टाइम पे पूरी जो है यहाँ पे धूम मचा रही है। बाइनेंस कॉइन भी ठीक है, थोड़े सिचुएशन जो है धीरे धीरे बाइनेंस कॉइन की ऊपर जा रही है। थर्ड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन के प्राइस चल रहा है $269 और $270। अब बाइनेंस कॉइन भी ठीक ठाक चल रहा है, बिटकॉइन भी प्राइस ठीक ठाक चल रहे हैं। आने वाले जो अगर आप देखें जो फेड की मीटिंग है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, उस टाइम पे मार्केट किस तरह का परफॉर्मेंस देता है फेड की मीटिंग का। अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, सारी चीज़ें मतलब ठीक ठाक निकल जाती हैं, तो फिर मार्केट अच्छा भी हो सकता है अगस्त के मंथ में। तो अगले जो आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी उसको लेके जो अपडेट होगा वो हम टेलीग्राम पे भी करते रहेंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। शिबा इनू के प्राइस की बात करें, 1180 की सीरीज पे चल रहा है, 0.4x0 1180 की जो प्राइस सीरीज है वो चल रही है शिबा इनू की इन डॉलर्स। इंडियन रुपीज में 0.0009 वही प्राइस एक्शन है, ज़्यादा टाइम से आप देख रहे होंगे। 13 की सीरीज टच कर ली थी जब बिटकॉइन पहुंच गया था 24,000 पे, उसी दिन शिबा इनू ने 13 का जो सीरीज है वो टच कर ली थी। अब अगर आप देखेंगे बिटकॉइन 24-25 तक भी जाता है तो 13-14 की सीरीज शिबा इनू भी टच कर सकता है, 14 की भी सीरीज हमको देखने को मिल सकती है शिबा इनू की। ये कुछ प्राइस एक्शन चल रहे हैं शिबा इनू के और क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ बर्निंग हुई है। पिछले 7 दिन की बर्निंग का नंबर देखें, जो हर वीक हमको एक बिलियंस में बर्निंग होती हुई दिखती थी, 1 बिलियन का नंबर तो टच होता था, लेकिन इस बार टच नहीं हो पाया। 840 मिलियन टोकन्स जो हैं सप्लाई में से बाहर हो चुके हैं शिबा इनू की। 840 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं शिबा इनू के लास्ट 24 आवर में। अगर हम बात करें यहाँ पे शिबा इनू की लास्ट 7 डेज की, तो आपने जान ली 840 मिलियन है, ठीक है, तो 24 आवर में सिर्फ 40 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं, 40 मिलियन जो है लास्ट 24 आवर में सप्लाई में से बाहर चले गए हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आता है शिबा इनू को लेके कि शिबा इनू का प्राइस कब इंक्रीज होगा। अब आप मार्केट की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, पिछले कुछ टाइम से जो भी देख रहे हैं 7-8 महीने से, थोड़ा सा ना यहाँ पे ज़रूरत है मार्केट को स्टेबल होने की, थोड़ा से मार्केट की मोमेंटम की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे सब चीज़ें ट्रैक पे चलती रहती हैं तो हम ये भी कह सकते हैं धीरे धीरे मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ट्रैक पे चलना भी ज़रूरी है। अगर ट्रैक से मार्केट नीचे आता है फिर से वही सिचुएशन आती है तो थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है। सारा गेम यहाँ पे जो बिटकॉइन के ऊपर है, बिटकॉइन का अगर प्राइस इंक्रीज होगा, बिटकॉइन धीरे धीरे ऊपर जाता रहेगा, अच्छे सिग्नल मिलते रहेंगे। एक बार मार्केट के मोमेंटम बनने की ज़रूरत है, बिटकॉइन को रफ्तार पकड़ने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद आप खुद ही देख लेना जब बुल रन आएगा मार्केट के अंदर, तो जो कॉइन दौड़ने वाला है मुझे लगता है जहाँ तक चांसेस हैं, ठीक है, जहाँ तक चांसेस हैं शिबा इनू ही दौड़ने वाला है। और बुल मार्केट के टाइम पे जो भी अपडेट आएगी शिबा इनू को लेके, बहुत अपडेट्स आती हैं, बुल मार्केट एक ऐसा टाइम होता है
जहां भर भर के अपडेट्स आती हैं, हर प्रोजेक्ट को लेके अपडेट आती हैं, और एक वही टाइम होता है सब अपने प्रोजेक्ट को लेके जो है अपडेट करते रहते हैं, कुछ भी लिस्टिंग्स भी बहुत सारी होती हैं उस टाइम पे, तो एक वही टाइम है जो एक पूरा जो है रौनक का टाइम रहता है, तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा बिटकॉइन का मोमेंटम ज़रूरी है, जो 17,000 का लेवल दिखाया था वहाँ से तो अच्छे लेवल पर बिटकॉइन आ चुका है, धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, धीरे धीरे ही नीचे आया है, ठीक है, धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा, थोड़ा सा बस आपको वेट करने की ज़रूरत है और बिटकॉइन के मार्केट के मोमेंटम को स्टेबल करने की ज़रूरत है, मतलब थोड़ा स्टेबल हो जाए ना मार्केट तो आप अच्छे रिजल्ट खुद देख पाओगे। तो आने वाला जो मतलब जुलाई का जो एंड है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ जाके बिटकॉइन की एंडिंग होती है, मतलब कहाँ क्लोजिंग करता है बिटकॉइन, किस प्राइस पे जाता है, इस जुलाई के एंड तक जो है एक अच्छी प्राइस रेंज में हमको बिटकॉइन जाता हुआ दिखता है या नहीं दिखता है, ये बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन जाएगा ऊपर, सिंपल सी चीज़ है, बिटकॉइन ही लीड करता है पूरी मार्केट को, और पहले जो पैसा आता है ना, जो मनी फ्लो होता है वो बिटकॉइन में होता है, इथेरियम में होता है, ये टॉप टू क्रिप्टोकरेंसीज में होता है, फिर धीरे धीरे ऑल्ट कॉइन्स भी साथ साथ बिटकॉइन इथेरियम के जाते हैं, फिर धीरे धीरे मीम कॉइन, फिर लॉक कैप फंड जितने भी हैं, इस तरह से मनी फ्लो होता है मार्केट के अंदर। एक अच्छा सिग्नल ये भी मिल रहा है कि $1 trillion से ऊपर बने हुए हैं, अब वो 800-900 billion वाली सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है और ना ही देखने को मिले, ठीक है, आगे भी सब ऐसे ही बढ़िया होता रहे, ठीक होता रहे, तो वेट करने की ज़रूरत है। प्राइस भी इंक्रीज़ होता हुआ आपको दिखेगा शिबा इनू का, ठीक है, जहाँ इतना वेट किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा वेट किया, मुझे पता है अक्टूबर से शिबा इनू को लेके रखा हुआ है, अभी भी बहुत लोग लॉस के अंदर हैं शिबा इनू से, लेकिन जहाँ इतना वेट किया है तो वेट आप थोड़ा सा और कर लीजिए। शिबा इनू अपना नया ऑल टाइम हाई भी बना के आपको दिखाएगा, वो टाइम भी आपको दिखा देगा जब आप प्रॉफिट में भी चले जाओगे, लॉस से आपका जो पोर्टफोलियो प्रॉफिट में भी चला जाएगा, लेकिन उसके लिए वेट आपको ओवरऑल करना पड़ेगा। शिबा इनू के प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं आ रहे हैं, शिबेरियम इसीलिए डिले हो रहा है, शी जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जो ट्रीट कॉइन है वो इसीलिए डिले हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको मार्केट के मोमेंटम के, अगर मार्केट का मोमेंटम अच्छा होगा तभी वो लाया जाएगा और लाने का फ़ायदा भी तभी मिलेगा, तब छोटी सी भी अपडेट होगी ना शिबा इनू को लेके तो अच्छा बेनिफिट मिलता है मार्केट के मोमेंटम के अंदर, तो वही सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट के मोमेंटम का। तो यही कुछ चीज़ें थी शिबा इनू को लेके कब प्राइस इंक्रीज़ होगा, तो आप समझ गए होंगे, बस जहां इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट करने की और ज़रूरत है, ठीक है। तो बाकी जो अपडेट रहेंगी हम आपको करते ही रहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा है, कुछ मिस रह गया तो ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं, और कोई क्वेश्चन है आपका शिबा इनू को लेके तो ज़रूर पूछिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ इंस्टाग्राम का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ट्विटर पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी क्रिप्टो मार्केट और शिबा इनू को लेके, आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, किसी भी क्रिप्टो या शिबा इनू में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से भी रिसर्च कर लें, वो भी बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।